कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि बीरबल BIRBAL को कोड भाषा में RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में डीजल DIESEL कैसे लिखा जाएगा, यानी उस कोड भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा, ये बोल रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से अक्षरों को देखना है। यहां बीरबल में BIRBAL है, यहां पे क्या है RIBLAB है, ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा यहां पे बीरबल को RIBLAB लिखा है, यानी कि जो बीरबल में अक्षर मौजूद है वही दोस्तों RIBLAB में भी है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब मौजूद है तो आप देखेंगे ये कैसे लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे दोस्तों। अगर बीरबल को हम दो पार्ट में कर दे BIR, तो BIR को पलट देंगे, पलट देंगे मतलब उल्टा करेंगे तीन अक्षर को ही सिर्फ, तो क्या होगा दोस्तों RIB हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए BAL है, इसको भी पलटेंगे दोस्तों, उल्टा करना है तो LA क्या हो जाएगा दोस्तों, LAB हो जाएगा। तो देखिए RIBLAB, तो यहां पे देखेंगे RIBLAB है, लिखा है, समझ रहे ना, तीन तीन अक्षर को क्या करना है, पलटना है। तो इसी प्रकार से डीजल में DIE है ना, ये तीन अक्षर को पहले पलटिए, तो DIE है तो आप क्या करेंगे, इसको EID कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों EID लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद SEL है ना, इसको पलटेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, LES हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, EIDLES। तो देखिए EIDLES किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, पलटने से संबंधित भी होते हैं। हम आपको बता दें यहां पर टोटल कितने अक्षर है दोस्तों, बीरबल में 6 अक्षर है। कभी कभी कोई यहां पर दूसरा कोई शब्द दे देगा जिसमें 8 होगा तो 4-4 को पलटेगा, कभी कभी 4 अक्षर का दे देगा तो 2-2 को पलटेगा, ठीक है। कभी कभी 10 अक्षर का भी दे देता है तो 5-5 को पलटता है, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यहां पे जो अक्षर है वही अक्षर आगे भी है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, पलट रहा है या क्रम इसका बदल रहा है। इसी टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी फटाफट कर दीजिए दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा वेन डायग्राम का है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, पुस्तक उपन्यास और शब्दकोश के बीच। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा उन शब्दों पर विचार करेंगे, जैसे इसमें पुस्तक है, बुक, उपन्यास, शब्दकोश, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। पुस्तक क्या होता है, आप ऐसे सोचेंगे, पुस्तक क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास भी एक पुस्तक ही है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी भी क्या है, एक पुस्तक ही है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो उपन्यास है और जो शब्दकोश है, यानी ये क्या है, ये एक पुस्तक ही है, ठीक है। यानी इसको हम क्या करेंगे, पुस्तक के अंतर्गत ही रखेंगे। शब्दकोश या उपन्यास को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ये पुस्तक है, पुस्तक ही तो बोलेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाएंगे पुस्तक का, और इसके अंदर रखेंगे हम उपन्यास, और इसी के अंदर आ जाएगा आपका शब्दकोश, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत से स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में क्यों ऐसे ही दिया है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दोनों कटा हुआ है, या इसका मतलब होता है कुछ उपन्यास शब्दकोश है, या कह लीजिए कुछ शब्दकोश उपन्यास है। तो ऐसा तो होता नहीं है, उपन्यास अलग टाइप की बुक होती है यानी पुस्तक होती है, शब्दकोश एक अलग टाइप का होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हम अलग अलग इसको बनाए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट में और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, देखिए ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न पढ़िएगा पहले ध्यान से।
प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यानी कह रहा है यदि प्लस है गुने, माइनस है प्लस, गुने है भाग तथा भाग है माइनस, तो आपको बताना है दोस्तों 9 माइनस 3 प्लस 2 भागे 16 गुने 2 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे दोस्तों, ऊपर जो लिखा है ना सिंबल को आपको चेंज करना है। यहाँ पे बोल रहा है प्लस है गुने, तो देखिए जहां पे प्लस है वहां पे हम क्या कर देंगे, गुने कर देंगे। यहां बोल रहा है माइनस है प्लस, तो माइनस है प्लस तो यहां पे हम कर देंगे प्लस, ध्यान दीजिएगा ये हो गया प्लस। फिर आगे कह रहा है दोस्तों गुने है भाग, तो जहां पे गुने है वहां पे हम कर देंगे भाग। फिर बोल रहा है भाग है माइनस, तो यहां भाग है तो यहां पे कर देंगे माइनस। तो एक नया ये समीकरण बन जाएगा, समीकरण बनेगा दोस्तों 9 प्लस 3 इंटू 2 माइनस क्या है दोस्तों यहां पे 16 है, भागे क्या है 2 है, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम आपको बताए हैं दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है। तो जब भाग करेंगे दोस्तों दो को दो से भाग करेंगे 16 में, तो 2 8 16 यानी यहां पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों 9 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8 ये बनेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, भाग तो कर लिए, अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 3 दुना के 6, यहां पे 6 हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 6 माइनस 8, समझ रहे हैं, 9 प्लस 6 माइनस क्या 8, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, जोड़ेंगे 9 और 6 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 और माइनस का होगा 8। जब अब क्या करेंगे घटाएंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, जब 15 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा क्या 7, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए 7 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया हो यानी 7 दिया हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिएगा और जुड़ भी जाइएगा हमसे, आपके आगामी एग्जाम के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। देखिए 14 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, एक लाइन में आंसर आता है, छोटा सा डायग्राम बनाना है। ब्लड रिलेशन हम आपको पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स करा रहे थे उसमें भी हम आपको पढ़ाए, फ्री में क्रैश कोर्स भी कराए हैं। क्रैश कोर्स अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी लास्ट में हम आपको जानकारी भी दे देंगे, ठीक है। पहले यहां पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, एन पी से कैसे संबंधित है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। तो देखिए ऐसे आप डायरेक्ट इसको आंसर नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। बोल रहे हैं दोस्तों एम एन का बेटा है, कौन बेटा है दोस्तों एम, एम दोस्तों किसका बेटा है एन का बेटा है, किसका बेटा है एन का बेटा है, तो एन एम क्या होगा एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बताया ना, एम एन का बेटा है, समझ में आ गया। फिर बोल रहा है ओ एन का पिता है, ओ कौन है दोस्तों एन का पिता है, तो एक पीढ़ी ये ऊपर चले जाएंगे ओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कह रहे हैं पी एम का पिता है, पी कौन है दोस्तों एम का पिता है, ध्यान दीजिएगा पी कौन है एम का पिता है, तो आप सोच रहे होंगे कि एन पिता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो एम है दोस्तों, यानी मान लीजिए आप एम की जगह है, तो आप केवल एक ही लोग के बेटा नहीं है, केवल आप एक लोग के बेटे नहीं, दो लोगों के बेटे, कौन कौन होंगे दोस्तों, एक मम्मी होंगी एक पापा होंगे, समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि एम तो बेटा हो ही गया एन का, तो फिर एम का पिता कौन कहाँ हो गया, पी पी कैसे पिता हो जाएगा, पी पिता होगा क्योंकि एन जो है दोस्तों ये माता है और ये क्या हो जाएंगे पी इसके पिता होंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप दो लोगों के बेटा है, किसके, आप मम्मी के भी बेटे हैं आप पिताजी के भी बेटे हैं, नहीं दो लोगों के बेटा है, तो एम जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा एन का तो बेटा है ही पी का भी बेटा है, यानी कहने का मतलब है पी एम का क्या है दोस्तों, ये जो पी है एम का क्या है पिता है, और ये जो एन है दोस्तों एम की क्या है ये माँ है मम्मी है, समझ रहे ना, ऐसे आपको समझना है। यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोचते हैं तो एन तो बेटा है, एन तो पिता है ही, अब कहां से पी पिता हो गया, नहीं एन मम्मी हो गई पी पिता हो गए, समझ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में आते हैं, तो समझना आपको ये जरूरी है कि आप दो लोगों के बेटा हैं, मम्मी के भी बेटा है पापा के भी बेटे हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे एन मम्मी हो जाएगी पी पापा हो जाएंगे यानी पिता हो जाएंगे। अब यहां पे प्रश्न में पूछा क्या है, एन पी से कैसे संबंधित है, यानी एन जो है दोस्तों ये एन जो है पी की क्या लगेगी, तो पी की पत्नी लगेगी, क्या लगेगी दोस्तों एन पी की पत्नी, आंसर होगा पत्नी। पत्नी देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, तो आपको ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की जो
आगामी एग्जाम है जैसे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, और हम आपको बता दें दोस्तों यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, उसके लिए दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट साइंस के जीके के और जो आपके स्टैटिक जीके के क्लास है वो सेकंड वाले चैनल पे चलाई जा रही है। सेकंड वाले चैनल का लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी है सेकंड चैनल के नाम से, उस चैनल से जुड़ जाइए और वहां से दोस्तों आप लोग जीएस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है सारे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। और वहां पे हम आपको बता दें दोस्तों डेली स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, जो ट्रेंडिंग जीके के टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी वहां पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, एग्जाम टॉपर चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जीएस की आप प्रिपरेशन वहां से करिए, मैथ्स रीजनिंग और करंट अफेयर आप यहां से पढ़ते रहिए। और भी कोई किसी क्लास की आपको नीड है, कोई क्लास आपको चाहिए तो यहां पर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी क्लास हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ मन लगाकर अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीका बताऊंगा और हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करना है आपको, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कहने का मतलब है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां क्वेश्चन मार्क पर बताना है कौन सी संख्या होगी। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। 9 का संबंध दोस्तों 8 से, जिस प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आप सिंपल भाषा में कैसे सोचेंगे, ये सोचेंगे 9 को 8 लिखा यानी कि माइनस 1 किया, एक घटा दिया, तो 16 को भी हम क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों यहां पे 15 होगा। लेकिन देखिए 15 किसी ऑप्शन में है, देखेंगे 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जब 15 किसी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को अलग तरीके से दूसरे तरीके से सोचेंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। 15 किसी ऑप्शन में रहते तो हम डायरेक्ट बोलते 15 आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे कुछ दूसरे तरीके से सोचेंगे। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे ध्यान दीजिए, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका सोचने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो 9 है, ध्यान दीजिएगा ये क्या स्क्वायर है कि क्यूब है, तो आप बोलेंगे ये 3 का स्क्वायर है, ये दोस्तों जो 8 है ये स्क्वायर है कि क्यूब है, तो आप बोलेंगे ये 2 का क्यूब है, यानी पहले 3 का स्क्वायर एक कम करके 2 का क्यूब कर दिया। ये जो 16 है दोस्तों ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो बताइए यहां पर क्या होगा, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, पहले में जैसे 3 का स्क्वायर किया तो एक कम करके 2 का क्यूब कर दिया, तो इसी प्रकार से इधर 4 का स्क्वायर किया तो एक कम करेंगे 3, तो 3 का हम क्या करेंगे यहां पे क्यूब, क्योंकि पहले वाले में स्क्वायर है तो दूसरे वाले में एक कम करके क्यूब है, तो 3 का क्यूब दोस्तों क्या होगा, 3 × 9 = 27, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 27। अब देखिए 27 किसी ऑप्शन में है, देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके कैसे समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को नोट करिए, फिर भी आपको किसी चैप्टर या टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों तो उस चैप्टर या टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे।